राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक बहुत ही अच्छी कहानी, कलयुग में नेकी कर और दरिया में डाल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया का एक ही बेटा था। वह बुढ़िया ने अपने बेटे का विवाह दूसरे गाँव में कर दिया था। एक दिन बुढ़िया ने अपने बेटे भोला से कहा, बेटा अब मुझसे घर का काम काज नहीं होता, तू जाकर अपनी बहू को लिवा ला, मुझे बुढ़ापे में सहारा मिल जाएगा। भोला माँ की बात सुनकर अगली सुबह ही अपनी बहू को लिवाने के लिए चल पड़ा अपनी ससुराल की तरफ, क्योंकि जब से उसकी शादी हुई थी उसने भी अपनी बहू को देखा नहीं था। उसके ससुराल के बीच में और उसके गांव के बीच में जब चला तो रास्ते में एक बहुत ही घना जंगल पड़ता था। जब वह जंगल के बीच से जा रहा था तो उसने देखा कि रास्ते के किनारे पेड़ के गिरे हुए पत्तों और फूलों में कुछ आग लगी हुई है, और पास ही पत्तों की जलती आग के बीच एक बिल बना हुआ था। बिल में सांप था एक, और वह बार बार अपना सिर बाहर निकाल रहा था। आग की गर्मी से वह बाहर नहीं निकल पा रहा था, इसलिए वह बुढ़िया के बेटे को आता हुआ देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, कहने लगा, ए भाई मुझे इस आग से बाहर निकाल दो, तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगा। बुढ़िया के लड़के ने कहा, भाई तुम तो नाग हो, तुम्हारा क्या भरोसा, तुम निकलने के बाद मुझे काट सकते हो। नाग ने कहा, कैसी बातें करते हो भाई, तुम मेरी जान बचाओगे तो मैं तुम्हें क्यों काटूंगा, ऐसी बात सोची भी नहीं जा सकती। नाग के बार बार आग्रह करने पर बुढ़िया के बेटे को उस पर दया आ गई। उसने लाठी की मदद से उस नाग को आग से बाहर निकाल दिया, और आग से बाहर निकालने पर वह कहने लगा कि तुम मुझे आग से बाहर निकालोगे तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगा। नाग जैसे ही आग से बाहर आया उसने लड़के से कहा, अब मैं तुझे काटूंगा। भोला हक्का बक्का रह गया और थर थर कांपने लगा। उसने कहा, लेकिन नाग देवता आपने तो कहा था कि मैं तुम्हें नहीं काटूंगा, और आपने पक्का वादा किया था। नाग अब हंसने लगा और कहने लगा, अरे मूर्ख यह कलयुग है, कहने और करने में जमीन आसमान का अंतर है, यहाँ भलाई का बदला बुराई से है, यह हमारा युग धर्म है, मैं तुम्हें काटकर अपने युग धर्म को जरूर निभाऊंगा। लड़के ने कहा, यदि तुम मुझे काटना ही है तो काट लो, पर मेरी तसल्ली तो करवा दो कि कलयुग का यही धर्म है। नाग ने लड़के की बात मान ली। लड़का नाग के साथ जंगल में चरती हुई एक गाय के पास गया, गाय को पूरी घटना बताई। गौ माता कहने लगी, लड़का कहने लगा, गौ माता तुम ही न्याय कर दो। गौ माता बोली, बेटा भोला नाग ठीक कह रहा है, मुझे ही देखो, घास खाकर दूध देती हूँ, खेती के लिए बछड़े बैल देती हूँ, लेकिन मेरे बूढ़े होने पर यह आदमी मुझे कसाई के हवाले कर देता है, यही तो इस युग का न्याय है। नाग ने कहा, अब तो तुम्हें तसल्ली हो गई। भोला गिड़गिड़ाने लगा, किसी और से भी और बात कर लेने दो ताकि मुझे भरोसा हो जाए, अगर यही सही है तो फिर मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। लड़के ने सामने खड़े पेड़ को अपनी सारी कहानी सुनाई तो पेड़ ने कहा, भैया भोला नाग ठीक कह रहा है, मैं आदमी को शीतल छाया मीठे फल देता हूँ, बदले में आदमी मुझे ही काटता है और आग में जलाता है, कलयुग का यही धर्म है। यह सुनकर लड़के ने नाग से कहा, नाग देवता मैं तुम्हारे काटने का विरोध नहीं करूंगा, लेकिन मेरी एक अंतिम इच्छा है, जब से मेरा विवाह हुआ है मैंने अपनी पत्नी का मुंह भी ठीक से नहीं देखा, तुम मुझे एक मौका दे दो, मैं अपनी पत्नी को देखकर वापस आ जाऊंगा, तब तुम मुझे काट लेना। नाग ने कहा, मुझे मंजूर है, पर भोला तुम अपनी पत्नी को कोई बात नहीं बताना, और 3 घंटे के भीतर भीतर वापस लौट आना। भोला अपनी ससुराल जाने लगा, चलते चलते अपनी ससुराल पहुंच गया। अपनी ससुराल से कुछ ही कदम दूर था,
उसने देखा कि उसकी पत्नी दरवाजा साफ कर रही है। उसे देखकर भोला की आंखों में आंसू गिरने लगे। उसकी पत्नी ने उसे इस तरह देखकर हैरान रह गई। वह कुछ पूछती इससे पहले ही लड़का वापस चल दिया। उसकी पत्नी ने सोचा जरूर कोई विपत्ति आई है। वह भी पीछे पीछे चलकर भोला के पीछे पीछे चलकर उस जंगल में आ गई और उस नाग तक पहुंच गई। नाग ने फुंकारते हुए भोला से कहा, मैंने तो तुम्हें तुम्हारी पत्नी से बात करने से मना किया था, तुम इसको लेकर यहाँ क्यों आ गए हो? इस पर भोला की पत्नी कहने लगी, नाग देवता, इन्होंने तो मुझसे कोई बात ही नहीं की। यह बिना कुछ बोले वापस चल दिए तो मैं इनके पीछे पीछे वापस आ गई। लड़के ने कहा, अब मैं तैयार हूँ, युग धर्म का निर्वाह करो और मुझे डस लो। सांप लड़के को काटने को तैयार हुआ। तभी भोला की पत्नी ने कहा, थोड़ा रुक जाओ, तुम इन्हें काटने जा रहे हो तो सिर्फ इतना तो मुझे बता दो कि इनके बाद मेरा जीवन का गुजारा कैसे होगा, मैं इनके बाद क्या करूँगी, कैसे अपना निर्वाह करूँगी। नाग ने कहा, इसका इंतजाम है, इस बिल के, जो मेरा यह बिल है, इसके सात फेरे करके इसे तुम खोदोगी तो तुम्हें सोने से भरे हुए सात घड़े मिलेंगे, तुम्हारी जिंदगी आराम से गुजर जाएगी। भोला की बहू ने कहा, मैं तुम्हारी बात पर कैसे विश्वास कर लूँ, मेरी तसल्ली के लिए सात फेरे लेकर बिल खोद लेने दीजिए। नाग ने भोला की पत्नी की बात मान ली और भोला की पत्नी ने बिल के सात फेरे लेने लगी। सातवां फेरा होते होते उसने अपने पति के हाथ से लाठी छीनकर उस नाग के सिर पर जोर से दे मारी। नाग छटपटाने लगा। तब वह भोला की पत्नी से बोला, तू तो बड़ी धोखेबाज निकली। तब अपनी पत्नी से कहा, क्षमा करना नाग देवता। भोला की पत्नी ने उससे कहा, नाग से, क्षमा करना नाग देवता, मैं तो आपकी बात ही रख रही हूँ। आपने कहा है कि भलाई का बदला बुराई से, तो हमें आपने इतना बड़ा खजाना बताया, लेकिन हमें भी तो कलयुग का धर्म निभाना पड़ा, आपके प्राण लेने पड़े। नाग का निर्जीव शरीर एक और धराशायी हो गया। भोला और उसकी पत्नी उस सारे खजाने को एक गाड़ी में भरकर अपने घर को खुशी खुशी लौट आए और भोला और उसकी पत्नी का जो अपने खुशी से अपना जीवन गुजारने लगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।